अब पुलवामा की घटना आतंकवाद की घटना थी, हमने क्या एंटिसिपेट किया था? हमें उम्मीद थी कि पुलवामा होगा, और यह कहना कि आप आतंकवाद हो गया और इसलिए आप अपनी नाकामी छुपा रहे हो, तो पुलवामा पे कैसे रिएक्ट किया जाए? देश का एक जज्बात था, एक इमोशन था, और सही इमोशन था। जो बालाकोट में सरकार हमारी एयरफोर्स ने किया और आईबी को क्रॉस करने का जो निर्णय एयरफोर्स ने लिया और प्रधानमंत्री जी ने उनको अनुमति दी, उसका पुलवामा से कोई लिंक नहीं है। पुलवामा के जो दोषी थे उनको तो हमने यहीं लिक्विडेट किया, उसका संबंध था कि जब आपके पास इतनी जानकारी और सूचना आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंप लगा है टेररिस्टों का, जैश ए मोहम्मद का, उस कैंप में फिदाइन ट्रेन किए जा रहे हैं, वो अगले 2-3 महीने तक भारत में जाकर एकदम आतंक मचाएंगे, तो हम क्या करते कि ममता बैनर्जी और अरविंद केजरीवाल आरोप लगाएंगे कि आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई ले रहे हो, तो इसलिए हम दबा जाएं उस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को? ये तो देश के साथ द्रोह होता, विश्वासघात होता। और एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपके पास थी और एक प्रिसिशन के साथ, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ एयरफोर्स ने इतना बहादुरी का काम किया जिसमें भी किसी भी देश को गर्व होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि जो नरेंद्र मोदी बीजेपी एनडीए विरोधी हैं, देश के साथ खड़ा होने की बजाय पाकिस्तान के हाथ में एक हथियार बन गए। जो भाषा वो कर रहे थे कि आप राजनीतिक कारणों से कर रहे हो, हमने तो कोई आतंकवाद नहीं करवाया, वो ये कहने लग पड़े। पाकिस्तान जब कह रहा था कि बालाकोट का सबूत दो, तो ये सबूत देने लग पड़े। सरकार ने तो अभी तक सबूत नहीं दिया,